मेरा सब्जेक्ट था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें इन्होंने मेरे को फेल शो कर रखा है एंड जीरो मार्क्स दे रखे हैं। अभी मैं जस्ट इनके पास आया था, मैं रिवेल्यूशन के लिए और मतलब रीचेकिंग के लिए मैं पूछने कि हाँ जी अगर मतलब जो हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी उसके बाद भी आपने जीरो मार्क्स क्यों दे रखे हैं या फिर किस वजह से दे रखे हैं, तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। इन्होंने बोला कि इसका एक ही सोल्यूशन है, आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म भर दीजिए और उसकी 1000 रुपये फीस है, आप फॉर्म भरिए, आपको जो है 75 डेज के बाद जो है आपका इसका रिजल्ट आएगा। कुछ स्टूडेंट को ऑप्शन शो कर रखा है, बल्कि उन्होंने एग्जाम दिया है। मेरा जो सब्जेक्ट था उसमें मेरे को ईआर शो कर रखा है, एप शो कर रखा है, जीरो मार्क्स दे रखे हैं और उस सब्जेक्ट की इन्होंने मेरे से फीस भी जमा करवाई, फॉर्म भी जमा करवा लिया और उसके बाद ये उस सब्जेक्ट का रिवेल्यूशन करने से मना कर रहे हैं। 1000 रुपीज़ फीस भी लिया इन्होंने पर सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद भी वो उस सब्जेक्ट का रिवेल्यूशन करने से मना कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने मुझे ऐप शो कर एबसेंट शो किया हुआ था, तो एबसेंट वाली जो चीज़ थी वो मेरी अभी करेक्शन हो गई है क्योंकि मैं अटेंडेंस शीट लेकर आया था कॉलेज जहाँ मेरा सेंटर हुआ था, शिवाजी कॉलेज। गलती तुमने करी है, करिए बोले कि नहीं गलती तुम्हारी तरफ से होती हो सकती है, हमारी तरफ से भी हो सकती है, पर आप रिवेल करिए, 1000 रुपये दीजिए तो 1000 रुपये हम कहाँ से दें। असल में गरीब परिवार से ही आता है, मैं भी गरीब परिवार से ही हूँ, कुछ खास बैकग्राउंड नहीं हमारा। हमने पेपर्स की फ़ीस दी हुई है, हमने बुक्स की फ़ीस दी है, बुक्स हमें नहीं मिली हुई है, तो वो बोलते ही एग्जामिनेशन सेंटर वाले बोलते कि नहीं आप एसएल में जाके हमारी बात करिए। ठीक है, वो हमारे अंडर नहीं आता, हमारे अंडर सिर्फ इतना आता है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और मार्कशीट देते हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है एसएल से बात करें, यहाँ पे कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये सिर्फ अपने रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे अगर हम कोई चीज़ प्रोसीड करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इस जो रिज़ल्ट जो हमारा आया है, अगर हमको इसमें अगर हमें कोई भी सोल्यूशन अगर नहीं होता है तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी हमारी चीज़ होंगी, तो हमारा एक साल जो है पूरा बर्बाद किया जाएगा और जो हम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। मैं अभी सीए का भी स्टूडेंट हूँ, मैंने वो भी अभी क्लियर किया अपना सेकेंड पार्ट अपना, और थर्ड पार्ट के लिए मुझे अभी डिग्री चाहिए बीकॉम प्रोग्राम की, देन मैं वहाँ पर थर्ड ईयर में अपना थर्ड पार्ट अपना रेगुलर कर पाऊँगा। इसकी डिग्री की वजह से मैं वहाँ पे अपना थर्ड पार्ट भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ये और ये कह रहे हैं कि रिवेल्यूशन की जो चेकिंग के जो रिजल्ट हैं वो 3 to 4 मंथ बाद आएंगे, तो इसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं कि 3 to 4 मंथ बाद आए, या तो आए तो ये 10 या 15 दिनों के अंदर आए, जिससे सितंबर में जो 25 तक मास्टर्स के जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएंगे, तो हम मास्टर्स में भी अपना एडमिशन ले सकें। इस हिसाब से ये रिजल्ट अगर डिक्लेयर करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करते हैं ये तो हम और भी भारी संख्या में यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे।